राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है परसों का, यानी कि 13 अप्रैल, वार शनिवार, सुबह सुबह का टाइम है। और अभी हम लगे हुए हैं कुछ ढूंढने में। और आप सबको पता ही है कि चीज़ें हम रख कर भूल जाते हैं, फिर ढूंढने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और बेड तो मेरा कई दिनों से उथल पुथल हो रखा है, सर्दियों के कपड़े इस बार मैंने जचाए ही नहीं है। आज इन्होंने फैला रखा है, इनको कहीं जाना है तो बस ये 4-5 जोड़ी कपड़े निकाल रखे हैं। इनमें से एक दो जोड़ी कपड़े देख लेते हैं। और कहीं भी आना जाना रहता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कपड़ों की, क्या पहने क्या ना पहने। गर्मियों का मौसम है तो जींस की पैंट पहनना तो वैसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, गर्मी ज़्यादा लगती है। गर्मियों के मौसम में वैसे तो देखिए लवर टी शर्ट ही अच्छे लगते हैं, लेकिन कहीं बाहर जाते हैं तो ये सारी कपड़े तो हम पहन नहीं सकते। तो बस ये जो घर के सिले हुए कपड़े रहते हैं, 2-3 जोड़ी वो निकाल लिए हैं। देखते हैं जाते टाइम ये कौन से कपड़े पहनते हैं। फिलहाल तो देखिए काफ़ी सारे कपड़े निकाल लिए हैं, सारे के सारे रितिका ने निकाले हैं। टी शर्ट वगैरह तो ये पहनते नहीं, घर पर ही पहन लेते हैं। आने जाने में तो ज़्यादातर शर्ट और पैंट यही सब पहनते हैं। तो बस अभी चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर मैं तो लगूँगी अपने घर के कामों में। काम वैसे आज इतना ज़्यादा अभी निपटा नहीं है। उससे पहले ये 2-3 शर्ट निकालते हैं, इन पर प्रेस कर लेते हैं, बाद में चली जाएगी लाइट। अभी कुछ दिनों से लाइट की तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही रही है, रात को आती है सुबह चली जाती है और फिर पूरा दिन बिना लाइट के ही निकलता है। पर यह है कि इन्वर्टर वगैरह हैं तो पंखे वगैरह तो चल ही जाते हैं। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी तो होती नहीं है कि कूलर वगैरह चलाने पड़े, पंखों से ही काम चल जाता है। और आज कई दिनों के बाद मैंने कपड़े धुलने की मशीन चलाई है, बेड की चादर वगैरह धुलनी थी। नहीं तो डेली यूज के जो कपड़े रहते हैं वो मैं अभी डेली हाथ से ही धोकर डाल देती थी। तो बस पहले तो मैंने ये थोड़े से जो डेली यूज के कपड़े थे ना वो डाल दिए थे धुलने के लिए। ये तो धुल गए हैं, इनको तो बाहर निकाल कर रख देती हूँ। और अभी डाल देते हैं इसमें अपनी 1-2 बेड की चादर वगैरह जो मोटे कपड़े हैं वो। और खेत हम आए हैं ये सरसों के पैर साफ़ करने के लिए। तो आते ही हमने सबसे पहले तो रेत इकट्ठा किया है सारा का सारा। वैसे भी सरसों का पैर थोड़ा सा बड़ा होता है। और ये ले लिया है तूड़ी छानने का झारना, इसमें से पहले रेत निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर जो सरसों और थोड़ा वो जो अड़ंगा भूसा मिक्स हो रखा है वो हवा में बरसा कर साफ़ कर लेंगे। सबसे ज़्यादा टाइम तो बस रेत को छानने में ही लगता है। और सरसों का पैर वैसे भी थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि इतने अच्छे से हम जचा नहीं पाते हैं। गेहूँ की तो जैसे पूड़ी वगैरह बांधते हैं तो अच्छे से जचा लेते हैं, और गेहूँ का पैर भी साफ़ नहीं करना पड़ता है। सरसों थोड़ी सी ज़्यादा झड़ती है। फिलहाल तो बस हमें 2 पैर साफ़ करने हैं, बाकी की तो हमारी सरसों अभी तक निकली ही नहीं है। तो बस पहले हमने सरसों का सारा रेत निकाल दिया, और उसके बाद बारी आती है बरसाने की। और ऐसा बोलते हैं कि खेत में जब भी हम छाछ उठाकर खड़े होते हैं ना, कोई भी फसल हो चाहे बरसाने के लिए, तो हवा चलनी बंद हो जाती है। अभी भी कुछ ऐसा ही हाल हो रखा था, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। लेकिन फिर भी एक बार मैंने सारी सरसों बरसा दी थी कि थोड़ा बहुत जो अड़ंगा है वो निकल जाएगा, बाकी का जो बचेगा वो हम बाद में घर पर उठाकर लेकर जाएंगे तो घर पर साफ़ कर लेंगे। तो जी, अभी पैर साफ़ करने का काम हमारा हो गया है और अभी हम चल पड़े हैं घर की ओर। हाँ ना, थारा फोन का मन के बेरा कड़ा है कौन कही थे मेरे ही इबलियम मन तो मेरे ला मेरे लाई देखा था मेरा तो ले रही हूँ मैं। तो जी, बस अभी घर पहुँचते ही सबसे पहले तो मैंने कपड़े फैला दिए हैं। कपड़े वैसे रितिका ने निचोड़ दिए थे, मैं बस मशीन में से निकाल कर रख कर गई थी। और ये तार थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा है, यहाँ पर बच्चों का हाथ नहीं जाता है। और छत पर अभी हम डालते ही नहीं हैं क्योंकि अभी फसल निकलने का टाइम चल रहा है, तो किसी के यहाँ सरसों वगैरह निकलनी स्टार्ट हो जाते हैं तो उसी टाइम पर कपड़े फिर उतारने पड़ते हैं। बाद में पता चलता है तो फिर सारे कपड़े ऐसे हो जाते हैं कि फिर पहने भी नहीं जाते हैं, हल्की हल्की सी रनी जैसे उड़ती रहती है। तो ये है कि बस झटपट सुखा लेते हैं और उतार लेते हैं। और वैसे भी गर्मियों में सूखने की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो तार पर ही थोड़े बहुत जैसे ऊपर नीचे कपड़े डाल देते हैं, आराम से सूख जाते हैं।
और बस अभी कर लेते हैं देवी मैया की पूजा। आज वैसे थोड़े से लेट हो गए हैं, 9 नवरात्रे तो मैंने किए ही थे, 2 ही नवरात्रे किए हैं और मेरे साथ रितिका ने भी इस बार 2 नवरात्रे रखे हैं देवी मैया के। बस देवी मैया की स्थापना कर ली थी और 2 नवरात्रे हो गए, क्योंकि नवरात्रे स्टार्ट हुए उस टाइम पर मेरी दवाई गोली चल रही थी और जाड़ में हल्का हल्का दर्द भी था। अभी तो वैसे दवाई भी बंद हो गई है और दर्द भी नहीं है बिल्कुल भी। और बस अभी नहा धोकर ये भी तैयार हो गए हैं जाने के लिए। तो जी बस अभी खाना वाना हो गया है, इनके जाने की तैयारी हो गई है और हम कर लेते हैं अभी थोड़ी सी देर आराम। आ जा रितिका, ले टांग को इधर आ जा। क्यों और क्या करेगी, कर ले तू, तन तो सारे दोपहर जब कौन पड़े कि मैं भी तन ना लेटना। तो क्या हो गया, वो पिता लेटा था है के है इसमें। अच्छा दिल की शेप का है, कहाँ का दिल की शेप, तो बीज को नहीं। अच्छा बाकी दिल की शेप है जमा, इस बात पे तन ध्यान कौन करे, मैं तो बीजा ध्यान करे। अच्छा कच्चा पाव है, कच्चा कौन पाव है, मतलब कच्चा पकावड़ा। तो चक्कू और मरवाओगी, तेरा काटने का तरीका भी बहुत बढ़िया है। संधा नमक लिया है ना, इतनी बार में आपको धो धो कर खाने के लिए फिर बना हुआ ना, तो तुम धो धो खाने पड़ेंगे तो इतना नून मिर्च की ठोका है, है? बस 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 घनी मिर्च ना गिरा, गरम हो काली मिर्च। तो जी ये हो गई है हमारी व्रत की स्पेशल फ्रूट की चाट तैयार आप सब प्याजी खाने के लिए। चम्मच उड़ लिया, चम्मच चम्मच लिया मम्मी। और बस खाना वाना खाने के बाद, खाना क्या, बस वो रितिका ने जो पपीते और केले कट किए थे वो खाने के बाद मैं थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी। और अभी मौसम एकदम से चेंज हो गया, हल्की हल्की बारिश आनी स्टार्ट हो गई थी, तो रितिका ने कपड़े उतार दिए हैं और मैंने पहले भैंसों को बाहर निकाल दिया है। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था और अंदर बांधते हैं तो देखिए अंदर ये थोड़ा सा ज़्यादा जैसे गोबर वगैरह काट देती हैं, तो इसलिए पहले मैंने भैंसों को बाहर निकाल दिया था। उसके बाद फिर देखिए हल्की हल्की बारिश आनी स्टार्ट हो गई है, तो अभी सबसे पहले तो ये माँ ने ठटिए बनाए थे ये उठा लेते हैं। बारिश तो वैसे इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, पर इन दिनों में बारिश की कोई ज़रूरत भी नहीं है और फिलहाल तो बस ये डर लगा रहता है कि बारिश हो ना जाए। एक टाइम तो ऐसा था कि बारिश का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता था कि हल्की फुल्की भी बारिश हो जाए तो फसल अच्छी बनकर तैयार हो जाए, पर फिलहाल तो बस इसी बात का डर लगा रहता है कि कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि गेहूँ भी कट चुके हैं और अभी हमारी तो सरसों भी नहीं निकली है। और बारिश हो जाएगी ना, ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो नुकसान भी हो जाएगा, और अगर कम भी बारिश होगी तो देखिए निकलने का काम कई दिन के लिए रुक जाएगा। तो फिलहाल तो किसानों को बारिश की कोई ज़रूरत नहीं है और सब की बस यही भगवान से दुआ रहती है कि बारिश ना हो, 10-15 दिन का टाइम और मिल जाए, ये जो हमारे गेहूं सरसों है निकल जाए, उसके बाद फिर चाहे कितनी भी बारिश हो। और कल हमारे यहाँ आने वाली है नई तूड़ी, तो बस अभी हम लगे थे तूड़ी वाला साफ करने में। तो ये टंकी थी हमारे पास, पहले जगह कम थी ना तब लेकर आए थे हम, तो इसको बाहर निकाल दे और ये देखिए क्या हाल हो रखा है। वैसे तो ये काफ़ी पुरानी हो गई है, और जो गोल टंकी रहती है ना अनाज की, उससे मुझे ये वाली टंकी काफ़ी अच्छी लगती है, जगह भी कम घेरती है और देखने में भी अच्छी लगती है। पहले 2 कमरे थे तो 2 टंकी हैं ऐसी हमारे पास, दोनों को दीवार के साथ में लगा देते थे, ऊपर फिर कवर वगैरह कुछ भी ढक दीजिए जैसे साड़ी वगैरह, तो देखने में ऐसा लगता है जैसे अलमारी रहती है, और फिर हम इनके ऊपर कोई भी सामान वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो कम जगह के मामले में तो ये वाली टंकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती हैं। एक टंकी में 4.5 बोरी के आसपास गेहूं आ जाते हैं, जिसमें छोटी फैमिली का काम आराम से चल जाता है। हमारा तो ये है कि देखिए पशु वगैरह रखते हैं तो गेहूं थोड़े से ज़्यादा ही रखने पड़ते हैं। और बस शाम होते होते ये तूड़ी का डंपर भी आ गया है। इस बार हमने हमारे गेहूं हाथ से नहीं कटवाए हैं, सारे के सारे कंबाइन मशीन से निकलवाने वाले हैं। मौसम का आप सबको पता ही है कैसा चल रहा है, काफ़ी जगह पर बारिश भी हो गई है, तो सब किसानों की यही कोशिश रहती है मौसम का ऐसा हाल होता है तब कि बस फसल निकल जाए। तो इस चक्कर में इस बार हमने हाथ से गेहूँ कटवाए ही नहीं थे, मशीन से ही निकलवा दिए हैं, तो गेहूँ तो निकल गए थे। गेहूँ निकलवाए हुए तो हमें
तीन चार दिन हो गए हैं, आधे ही निकलवाए हैं, अभी आधे तो बाकी हैं। और आधे जो गेहूँ निकलवाए थे ना, उनकी आज तूड़ी भी बननी स्टार्ट हो गई है। मशीन से देखिए तूड़ी तो थोड़ी सी कम बनती है, पर यह है कि काम जल्दी बन जाता है। और मौसम का हिसाब किताब देखा जाए तो ये है कि बस काम जल्दी निपट जाना चाहिए, क्योंकि बारिश हो जाएगी फिर साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, परेशान भी ज़्यादा होना पड़ेगा और नुकसान भी होता है अगर थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो। तो जी बस तूड़ी इन्होंने रितवा दी थी, उसके बाद फिर मैं लगी हुई हूँ अभी थोड़े से आलू के पापड़ बनाने में, क्योंकि पहले तो तूड़ी आने वाली नहीं थी। मौसम आप सबको दिखाया था कल हल्की हल्की बारिश हुई थी, तो इसी वजह से हमने सोचा कि आज तूड़ी नहीं बन पाएगी, मशीन नहीं चलेगी। तो ये मैंने आलू रख दिए थे सुबह उबलने के लिए, और फिर थोड़ी सी धूप निकली तो वो तूड़ी भी बननी स्टार्ट हो गई, तूड़ी भी आ गई और मैंने आलू उबाल कर ये सारी तैयारी भी कर ली थी। तो फिलहाल मैं जल्दी जल्दी लग गई फिर पापड़ बनाने में। तो ये मैंने आलू ग्याकस में से निकाले और इसमें अपने वही दो चार मिर्च मसाले डाले हैं, जैसे कि काला नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च है मेरे पास वो डाली थी, हरा धनिया और चार पांच मैंने हरी मिर्च डाली है। और इसमें मैंने थोड़ी सी सूजी डाल दी है ताकि हमारे पापड़ जैसे क्रिस्पी और करारे बनकर तैयार हों, ज़्यादा नहीं बस 5-6 चम्मच ही डाली है। और लास्ट में लगा दिया थोड़ा सा सरसों का तेल। आलू मैंने जो बिल्कुल बारीक वाला घियाकस रहता है ना उसमें से निकाले थे, पहले अगर मैं आलू नहीं उबालती तो आज मैं पापड़ बनाती भी नहीं, लेकिन आलू मैंने सुबह ही उबाल कर तैयार कर लिए थे तो मैंने सोचा चलो अभी उबल गए हैं तो झटपट पापड़ बना कर रख देती हूँ, तूड़ी अंदर डालने का काम उसके बाद देख लेंगे। तो जी बस अभी मैं लग गई हूँ पापड़ बनाने में। ये मैंने साड़ी वाली पॉलिथीन ले ली है और थोड़ा सा ले लिया है सरसों का तेल, और एक डंडी के ऊपर थोड़ी सी रुई लगाकर फिर ऊपर से कपड़ा लगा लिया है ताकि बार बार हाथ से हमें तेल ना लगाना पड़े। और लोई वगैरह कुछ नहीं बनाकर तैयार की है मैंने, बस ऐसे ही थोड़े से आलू रखे और उनको एक बार चकले से फैला लिया, फिर हाथ से हम पापड़ को गोल कर लेते हैं और ऐसे जैसे पन्नी या साड़ी कुछ भी ले लीजिए आप उसके ऊपर डाल दीजिए। वैसे ये काम तो मैं गर्मियों में कभी भी कर सकती थी, ओली पर तो इस बार हमारे यहाँ कुछ बना नहीं, पर आज ही मैंने पापड़ बनाने की तैयारी की थी और आज ही तूड़ी बनकर आ गई है। तो बस अभी झटपट ये पापड़ बना देती हूँ, उसके बाद फिर हमें तूड़ी ढोनी है और आप सबसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूँगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखिए पापड़ हमारे लगभग बनकर तैयार हो गए हैं, और बस अभी रात भर तो मैं इनको पंखे के नीचे सुखाऊंगी और कल सुबह थोड़ी थोड़ी धूप दिखा लेंगे या फिर पंखे के नीचे भी सूख जाएंगे, एक दिन में ही बनकर तैयार हो जाते हैं। तो जी ये देखिए पापड़ हमारे बन गए हैं, 2-4 पापड़ तो इसमें से फट भी गए थे, साड़ी को फैलाने के चक्कर में फट गए हैं ये। रितिका ने साड़ी को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया था तो उसी चक्कर में पापड़ फिर वहीं से फट गया।